क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या है, नाराज क्यों हो मुझसे? मैं तो नाराज नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर मैं सरवाइये को क्या नाम दूं बताओ? देखो सबीना, सीधी सी बात है, जब तुम नाराज होती हो ना तो मैं बहुत अपसेट होता हूँ। हालांकि बात तुमने मुझे सुनाई है और खफा भी तुम हो, ये ज्यादती है यार। और जो आप कर रहे हैं वो? अरे यार, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने किया क्या है। कुछ नहीं। तो फिर? अरे अब कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ, काम है मुझे। तो काम करने की कोई जरूरत नहीं, बैठी रहो, मुझे बात करनी है तुमसे। सुनो, तो तुम्हें पता आज क्या हुआ मेरे साथ? यार मैं घर जब वापस आ रहा था ना, तो रास्ते में मुझे एक यंग सा लड़का नजर आया, व्हीलचेयर पे बैठा हुआ था, अपनी अम्मी के साथ था। उसके साथ भी वही हादसा हुआ जो मेरे साथ हुआ था, बहुत बुरा एक्सीडेंट, बाइक से गिर गया। फिर मैंने यही सोचा यार कि हम रोड सेफ्टी को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते, कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, हालांकि इट्स सो इम्पोर्टेंट। ऐसा ही है। काफी देर मेरी उससे बातचीत हुई, फिर पता चला कि यार वो भी मेरी तरह अपनी उम्मीद और हिम्मत हार चुका था। और उसकी माँ इतनी परेशान थी इसलिए नहीं कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद ठीक नहीं होना चाहता। उसने अपने आप में यकीन कर लिया कि वो कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा, वो कभी रिकवर नहीं होगा। फिर मैंने उसे समझाया, यकीन दिलाया, अपनी मिसाल दी कि यार चंद महीने पहले मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था, फिर रिकवर हुआ, आज मुझे देखो, आई एम मच बेटर। मतलब सबीना, कितने लोग होंगे जिन तक उम्मीद की रोशनी पहुंचती ही नहीं, जो डिप्रेस होकर थक कर हार तस्लीम कर लेते, जिन्हें मेरी तरह हिम्मत और हौसला देने वाला साथी नहीं मिलता। दिल ही तो है।